नमस्कार, द नगरी मीडिया की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नरेश मीणा मामले में अब लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायकों ने समरावसा गांव में रात्रि चौपाल कर ग्रामीणों का हाल जाना। पाप पार्टी के विधायक थावरचंद दामोर, जयकृष्ण पटेल, कमलेश्वर डोडिया ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से पूरी घटना की जानकारी ली। भारत आदिवासी पार्टी के लोग फैक्ट रिपोर्ट चेक करके मानव अधिकार आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजेंगे। इसके साथ ही बाप के विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों को विधानसभा में भी उठाएंगे। इसके साथ ही 5 सूत्री मांगों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के सामने भी मांग रखेंगे। राजस्थान में इस साल सर्दी देरी से आई है। इस सीजन में नवम्बर की शुरुआती 17 दिन तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया। वहीं पिछले साल 17 नवंबर तक कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया था। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस सीजन में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। उधर राजस्थान के कई जिलों में कोहरा बढ़ने लगा है। मंगलवार को 50 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी नजर आ रही थी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार तापमान कम गिरने की वजह से पीछे वेस्टर्न डिस्बर्न का एक के बाद एक लगातार आना है। उस कारण से उत्तर से आने वाली सर्द हवाएं अभी तक शुरू नहीं हुई। देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में किरोड़ी लाल मीणा आज एक बार फिर प्रतिनिधिमंडल के साथ राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर बेडम के सरकारी निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि समरावता सहित 8 गांव उनियारा में मिलाए जाएंगे। 9 निर्दोष लोगों को छोड़ दिया गया है। 35 बाइक, 7 कार का नुकसान हुआ है। इसमें पुलिस के भी वाहन शामिल है। संभागीय आयुक्त जाँच करेगा। हम प्रकरण में हुए नुकसान की भरपाई करेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर नुकसान की भरपाई करवाएंगे। ये पूरा प्रकरण जांच का विषय है। संभागीय आयुक्त से सीमित समय में जांच करवाई जाएगी ताकि समय रहते लोगों को न्याय मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि आज मैं मुख्यमंत्री से मिल रहा हूं, मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जिला जूडो संघ के जूडो खिलाड़ियों ने झुंझुनू में आयोजित हुई राज्य स्तरीय जूनियर व सीनियर जूडो प्रतियोगिता में एक बार फिर अपना दमखम दिखाते हुए 4 स्वर्ण, 2 रजत, 6 कांस्य पदक जीतकर छात्र वर्ग की चैंपियनशिप को अपने नाम किया। मंगलवार को पदक विजेता खिलाड़ियों के हनुमानगढ़ पहुंचने पर विधायक गणेश राज बंसल ने जिला जूडियो संघ सचिव को विनीश बिश्नोई खिलाड़ियों का अभिनंदन किया और हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने संभव मदद करने का भरोसा दिया। अध्यापकों के स्थानांतरण करने तथा डीपीसी कर पात्र शिक्षकों की पदोन्नति करने की मांग को लेकर 25 नवंबर को राज्य भर में जिला मुख्यालयों पर शिक्षक प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे। राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर 5 नवंबर को संपन्न विरोध सभा के लिए निर्णय अनुसार आंदोलन के आगामी चरण में प्रत्येक जिले के विरोध सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन जिला स्तरीय विरोध सभाओं में आंदोलन के अगले कदमों की घोषणा की जाएगी। हनुमानगढ़ जंक्शन में चोरों के हौसले बुलंद है और चोरों ने अभय कमांड सेंटर का वो कैमरा ही चुरा लिया जिससे पुलिस चोरों की घटनाओं पर निगाह रखती थी। जंक्शन पुलिस के अनुसार चोरों ने हनुमानगढ़ जंक्शन की पॉश कॉलोनी में अभय कमांड सेंटर के खंभे पर लगा कैमरा चुरा लिया, जबकि पुलिस इसी अभय कमांड सेंटर के कैमरे से पूरे शहर में निगाह रखती है कि कहां क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जिला मुख्यालय पर लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच अब चोरी पकड़ने वाले पुलिस वालों के कैमरे ही चोरी हो जाने से नागरिकों में कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में जांच अधिकारी अजीत सिंह का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की चोरी होने के मामले में मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और पुलिस टीम का गठन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित सभी कांग्रेस नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसी दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इतिहास नहीं बल्कि देश का भूगोल ही बदल दिया। इंदिरा गांधी जी की सिद्धांतों से हमें सीख मिलती है। उनका जीवन हमें विरासत के रूप में मिला है, लेकिन मौजूदा हुकूमत उस विरासत को नहीं समझ रही। राहुल गांधी जी बार बार लोकतंत्र और विदेश की बात करते हैं, वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पेंशन के नाम पर खूब वाहवाही लूटी, लोगों को अब तक पेंशन नहीं मिली। हमारी सरकार ने पेंशन को बढ़ाने का काम किया है। समरावता सहित 8 गांवों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर आज किरोड़ी लाल मीणा जवाहर सिंह बेडम के आवास पर पहुंचे। वार्ता के बाद मौके पर अचानक ग्रामीणों द्वारा मामले की न्यायिक जांच और
एसपी कलेक्टर को गिरफ्तार करने की मांग के बाद अचानक ही मंत्री के आवास पर माहौल गर्मा गया। ग्रामीणों की मांग पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नाराज दिखे और उन्होंने ग्रामीणों से यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत और डोटासरा के पास चले जाओ, वो कलेक्टर और एसपी को गिरफ्तार करवा देंगे। इस दौरान करीब आधा घंटा तक मंत्री के आवास पर गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। जोधपुर की ब्यूटीशियन अनीता चौधरी की हत्या को लेकर लंबे समय से चल रहा गतिरोध आज समाप्त हो गया है। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में सोमवार को हुए व्यापक धरने के बाद मंगलवार को सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपते जाने के साथ ही अनीता चौधरी के परिजनों का धरना भी समाप्त हो गया है। सरकार ने अनीता चौधरी के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का भी ऐलान किया है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है और जगह जगह पर धुंध की मोटी चादर बिछ गई है। इस कड़ी में भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जागरूकता अभियान के तहत राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जनता को मास्क वितरित किए। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि ये एक प्रकार से आपातकाल थोपना है, गलती अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की है और उसका परिणाम दिल्ली भुगत रही है। इसकी निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।